डेविड मिलर होंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया गुजरात टाइटंस को बड़ा ऑफर। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बड़ा फैसला लेते हुए डेविड मिलर को अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहती है। की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसके जरिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम डेविड मिलर को अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहती है। बदले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गुजरात टाइटंस को पैसे देगी। हालांकि गुजरात टाइटंस की टीम आने वाले वक्त में इस ऑफर को स्वीकार करती है या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आपको बता दें, डेविड मिलर एक बेहतरीन बल्लेबाज है और इन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए कई बेहतरीन पारियां खेली है। अगर पिछले दो सीजन से गुजरात टाइटंस ने कमाल का प्रदर्शन किया है तो उसमें डेविड मिलर का किरदार सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ है। डेविड मिलर ने अभी तक आईपीएल में 121 मुकाबले खेलते हुए 2714 रन बनाए हैं। डेविड मिलर एक शतक भी जड़ चुके हैं। डेविड मिलर का औसत लगभग 37 के करीब है। सबसे खास बात है उनका स्ट्राइक रेट, डेविड मिलर ने लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं। डेविड मिलर अपने बलबूते पर गुजरात टाइटंस को कई बार जीत दिला चुके हैं। अगर डेविड मिलर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर लोअर मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत हो जाएगा। वैसे भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक आक्रामक मैच फिनिशर की जरूरत है। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो आईपीएल 2023 में इस टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता था। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ रविंद्र जडेजा ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की ना तो फॉर्म साथ दे रही है और ना ही फिटनेस। ऐसे में डेविड मिलर अगर टीम में शामिल हुए तो निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी कई गुना बेहतर हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या डेविड मिलर को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।